बहुचर्चित कानपुर देहात के बेहमई नरसंहार का फैसला आज फिर टल गया। आरोपियों के वकील द्वारा रूलिंग दाखिल करने के लिए समय की मांग के लिए दाखिल याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए फैसला सुनाए जाने की तारीख इसी माह को 18 को कर दी। वहीं आरोपी पक्ष के वकील को इसी माह की 16 तारीख तक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग पेश करने का समय तय कर दिया। वहीं कोर्ट पेशी पर आए आरोपी पोषा ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोप को नकार दिया। वहीं फैसले की तारीख बढ़ाए जाने के बाद वादी राजा राम सिंह ने दुख जताते हुए न्याय न मिलने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान भी किया। दरअसल कानपुर देहात जिले के गांव बेहमई 14 फरवरी 1981 को दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ गांव के 26 लोगों को बंधक बनाकर गोलियों से भून दिया था, जिसमें 20 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। मामला 38 सालों से कानपुर देहात के जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर आज कोर्ट में फैसला होना था। लेकिन वहीं आरोपियों के वकील ने याचिका आज का कोर्ट में दायर कर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रूलिंग दाखिल करने का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दोपहर 2 बजे सुनवाई की। वहीं बेहमई कांड के आरोपी पोषा 38 सालों से जेल में बंद हैं। आज कोर्ट में बहस के लिए पोषा को पुलिसकर्मी पकड़कर सहारा देते हुए लाए थे। आप खुद देखिए कि किस तरह पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़कर सहारा देते हुए कोर्ट से बाहर लाया गया था। उसकी चलने की क्षमता भी नहीं बची। कोर्ट से बाहर आने के बाद पोषा ने बताया कि मुझे निर्दोष फंसाया गया है, फूलन के साथ गलत हुआ था जिसका बदला फूलन ने लिया था। ना ही मैं बेहमई कांड में था और ना ही मैं फूलन की गैंग में रहा हूँ। मुझे पुलिस ने गलत फंसाया है और मेरा फैसला ऊपर वाला करेगा। वहीं आज बेहमई कांड को लेकर कोर्ट में आने वाले फैसले को लेकर बेहमई नरसंहार कांड के पीड़ित सहित सैकड़ों लोग आज सुबह से ही कोर्ट में पहुंच गए थे और 38 सालों से विचाराधीन मामले पर फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आरोपी पक्ष के वकील ने याचिका कोर्ट में दायर कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को स्थगित कर दिया और आरोपी पक्ष के वकील की दलील के बाद फैसले की तारीख 18 जनवरी मुकर्रर कर दी, जिसके बाद बेहमई गांव के पीड़ित व ग्रामीणों को न्याय की जगह मायूसी मिली और मिली फिर एक और तारीख। वहीं आपको बता दें कि बेहमई गांव के ग्रामीणों में फैसला आने की आस लगी थी, परंतु फैसला न आने पर मायूसी देखी गई। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा। कानपुर से कैमरामैन संदीप के साथ हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज बेहमई कांड का फैसला आना था, आप लोग सुबह से कोर्ट में बैठे फैसले का इंतजार कर रहे थे, तारीख 18 कर देगी, क्या कहेंगे आप? अब हम क्या बताएं, हम तो आशा माज की थे और 18 में हम भी कहेंगे कोर्ट साहब ने तारीख बढ़ा दी और एक याचिका अपना याचिका जाहिर कर दी बचाओ पक्ष ने, उसको लेके चलने लगे कि और कुछ सोचने लगे। हम तो आज ही आशा में थे निर्णय मुझे मिले और नहीं मिला निर्णय, ये मिला कि तारीख 18 दे दी। तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, अब इस फैसले को आप कब तक इस तरीके से देखते रहेंगे? अब जब तक हम जिए तब तक तो देखा जाए, और मर गए तो फिर देखो कुछ। अगर हम न देखते 40 साल हम लड़ते थे, अकेली दम पर लड़े हैं। थोड़ा डाउन मारी है, क्या कहना है इस फैसले पे? आज फैसला आ रहा है 39 साल बाद, क्या कहना है आप? नहीं, अपने बचाव में कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहते हैं अपने बचाव में? कृपा है परमात्मा का स्वरूप, सारा संसार है, जैसी दया हो जाए। तो आरोप लगा आपके ऊपर आप लोगों ने? आरोप ही लगा, छुआ तक किया नहीं। अच्छा, आप सब सत्य बताते हैं, हमें भगवान किया हुआ कर्म और प्रभु फांसी हो। आप उस गैंग में थे? ना ना, गैंग में काउ में नहीं। उस समय हत्या के वक्त आप थे जब वहाँ पर बीस लोगों की जब हत्या की गई तब आप गांव में थे? हम तो पछना के मोड़ी खनाए थे। अच्छा, कहाँ से पकड़ा था पुलिस ने आपको? हमें औरैया औरैया पकड़ा जा। हाँ, बाबा बेस में थे। अच्छा, फूलन देवी को जानते थे आप? फूलन देवी को जानते थे आप? अरे खूब अच्छी तरह से, भैया हमारे भी आए सब सारी लगती, अब क्या करूँ जा फला दे, अब गोड़ों को जाने नहीं जाते। मैंने उसके 39 साल कांड को लेकर के आज फैसला आना था, क्या है पूरा मामला, क्या आज फैसला आ सकता है? आज फैसला आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज की तारीख जो लगी हुई है वो लिखित बहस दाखिल करने के लिए लगी है, इसलिए आज फैसला आने की कोई उम्मीद नहीं।
अच्छा जी, बताया जा रहा था कि आज फैसला आया, तो क्या आज फैसला की अग्रिम तारीख कौन सी रखी? अभी फैसले की तारीख बताई किसने है मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरी जानकारी में आज की तारीख फैसले की नहीं आई। अच्छा अग्रिम तारीख कौन सी? अग्रिम तारीख अभी नहीं लगी है, लगने को है थोड़ी देर में। अच्छा आज अग्रिम तारीख की फैसले की कोई तारीख लगाई जाए उसके बाद न्याय, उसके बाद उसी दिन जिस दिन फैसले की तारीख लगाई जाएगी उस दिन फैसला आएगा। देखिए इसमें बचाव पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है कि उन्हें इस मामले में अपने पक्ष में कुछ माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की नजीरें देनी है। इसके कारण से अब न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करते हुए 16 जनवरी तक का समय उन्हें दिया है कि वो चाहें तो जो भी नजीरें देना हो वो दे सकते हैं। 18 जनवरी इस मामले के अंतिम निर्णय की तिथि नियत की गई और उस दिन निर्णय आएगा। अच्छा मुख्य कितने आरोपी अभी जेल में थे इसके? अभी एक आरोपी जेल में है पोषा, बाकी के तीन वो बाहर है जमानत पर है। अच्छा क्या लगता है 18 तारीख को फाइनल निर्णय मिल जाएगा? हम लोग पूरी उम्मीद यही लगाए हैं